आजकल बहुत से लोगों के लिए दिन में दो बार के भोजन के बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना एक सामान्य बात हो गई है। यहां सद्गुरु समझा रहे हैं कि क्यों बार बार खाना अच्छी बात नहीं है। पहला, शरीर और मन खाली पेट सबसे अच्छा काम करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, हो सकता है आप सोचते हो कि पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहने से आपको और सक्रिय रहने में मदद मिलेगी, लेकिन अगर आप ये देखें कि पेट में खाना भरा होने पर आपका शरीर कैसा महसूस करता है और पेट खाली होने पर कैसा महसूस करता है, तो आप पाएंगे कि पेट खाली रहने पर आपका शरीर और दिमाग दोनों बेहतर काम करते हैं। अगर आपके पाचन तंत्र में खाना पचाने की क्रिया लगातार जारी रहे तो शरीर की कुछ ऊर्जा लगातार उसी में लगी रहती है, जिससे शरीर और दिमाग सबसे अच्छी तरह से काम नहीं करते। पेट खाली होने का यह मतलब नहीं कि आपको भूख लगने लगेगी। आपको भूख तब लगती है जब ऊर्जा का स्तर बहुत नीचे हो जाता है, वरना पेट खाली ही होना चाहिए। अगर आप अपनी पूर्ण क्षमता से काम करना चाहते हैं तो जागरूक बनिए और ऐसा खाना खाइए जिससे आपका पेट 1.5 से 2.5 घंटों में खाली हो जाए और खाना पेट से निकलकर अंत में चला जाए। उसके बाद शरीर को उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती और 12 से 18 घंटों के बीच खाना आपके शरीर में से पूरी तरह बाहर हो जाना चाहिए। इस बात पर योग बहुत जोर देता है। पेट खाली होने का मतलब यह नहीं है कि आपको भूख लगने लगेगी। आपको भूख तब लगती है जब ऊर्जा का स्तर बहुत नीचे हो जाता है, वरना पेट खाली ही होना चाहिए। अगर आप इतनी जागरूकता रखते हैं तो आप पर्याप्त ऊर्जा, चुस्ती और सजगता का अनुभव करेंगे। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम करते हो, यह आपके सफल जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। दूसरा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तंत्र की सफाई। जब पेट में पाचन प्रक्रिया चल रही होती है तब कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है। अगर आप दिन भर खाते ही रहते हैं तो कोशिकाओं में अशुद्धियां लंबे समय तक बनी रहती है, जो फिर एक अवधि के बाद शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। अंतों से मल बाहर निकलने की प्रक्रिया भी तब सही ढंग से नहीं होती, क्योंकि बड़ी अंत में एक ही समय पर आने की बजाय अलग अलग समय पर कचरा आता ही रहता है। योगिक व्यवस्था में हम ऐसा कहते हैं कि एक भोजन के बाद दूसरा भोजन करने में कम से कम 6 से 8 घंटों का अंतर होना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो कम से कम 5 घंटों का अंतर तो होना ही चाहिए। अगर बड़ी आंत साफ नहीं रहती तो आप समस्याओं को न्योता दे रहे हैं। योग में यह कहा जाता है कि गंदी आंत और मनोवैज्ञानिक अशांति एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर आपकी बड़ी आंत साफ नहीं है तो आप अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते। आयुर्वेद तथा सिद्ध जैसी भारत की पारंपरिक औषधि पद्धतियों में किसी भी रोगी की बीमारी चाहे जो हो, वे पहले आपकी पाचन व्यवस्था को शुद्ध करना चाहेंगे, क्योंकि एक खराब बड़ी आंत आपकी अधिकतर समस्याओं की जड़ हो सकती है। आजकल लोग जिस तरह से खा रहे हैं, अपनी बड़ी आंत को स्वच्छ रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 2 बार अच्छी तरह भोजन करते हैं और बीच में कुछ नहीं खाते, जैसे हम सामान्य रूप से आश्रम में करते हैं, या अगर हम बहुत ज्यादा कामों में लगे हैं तो हम एकाध फल खा सकते हैं, तो आपकी बड़ी आंत हमेशा स्वच्छ रहेगी।
योगिक सिस्टम में हम ऐसा कहते हैं कि एक भोजन के बाद दूसरा भोजन करने में कम से कम 6 से 8 घंटों का अंतर होना चाहिए। अगर ये संभव न हो तो कम से कम 5 घंटों का अंतर तो होना ही चाहिए। इससे कम का अंतर है तो समझ लीजिए कि आप अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तीसरा, शरीर के द्वारा भोजन को शरीर में बदलना। आप जिसे अपना शरीर और अपना मन कहते हैं वो यादों का एक ढेर भर है। इन यादों या सूचनाओं के कारण ही शरीर ने अपना आकार लिया है। हम जो कुछ भी खाते हैं वह इन्हीं यादों या सूचनाओं के आधार पर शरीर में बदल जाता है। मान लीजिए मैं एक आम खाता हूं तो ये मुझ में आकर एक पुरुष बन जाएगा। अगर कोई स्त्री इस आम को खाती है तो वह आम उसमें जाकर स्त्री बन जाता है। अगर कोई गाय उस आम को खा ले तो वह आम गाय के शरीर में जाकर गाय बन जाएगा। ऐसा क्यों है कि एक आम मेरे शरीर में जाकर पुरुष ही बनता है, स्त्री या गाय नहीं? यह मूल रूप से उस खास याददाश्त के कारण है जो मेरी शारीरिक व्यवस्था में है। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय है या आपका कोई चिकित्सकीय मामला है तो बात अलग है, वरना 35 साल की उम्र के बाद दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना निश्चित रूप से आपके लिए ज्यादा स्वास्थ्यप्रद होगा। और ऐसा क्यों है कि जब मैं आम खाता हूं तो इसका एक भाग मेरी त्वचा बनता है जिसका रंग मेरी त्वचा के रंग का ही होता है? आपको अचानक मेरे हाथ पर आम के रंग का पैबंद नहीं दिखता? कारण यह है कि याददाश्त की संरचना इतनी ज्यादा मजबूत है कि मैं चाहे जो भी अंदर डालूं, मेरी याददाश्त सुनिश्चित करेगी कि वो मेरा रूप ही ले, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी खाने को शरीर में बदलने की योग्यता कम होती जाती है। इसका कारण यह है कि आपकी आनुवंशिक याददाश्त तथा क्रमिक विकास की याददाश्त दोनों की आपके खाए हुए खाने को आप में बदलने की शक्ति कमजोर पड़ती जाती है। आप स्वस्थ हो सकते हैं तथा खाने को ठीक तरह से पचा भी सकते हैं, पर आपका शरीर एक आम को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया को पहले जैसी ताकत के साथ नहीं कर पाता। पाचन तो होगा पर याददाश्त कमजोर पड़ने के कारण एक जीवन का दूसरे में रूपांतरण अच्छी तरह से नहीं होगा। शरीर इस धीमे होने की प्रक्रिया के साथ तालमेल बना लेता है, पर अगर आप इस बारे में जागरूक हैं कि आप क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं तो आप इसे और ज्यादा सूझबूझ के साथ तालमेल में ला सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय हैं या आपका कोई चिकित्सकीय मामला है तो बात अलग है, वरना 35 साल की उम्र के बाद दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना निश्चित रूप से आपके लिए ज्यादा स्वास्थ्यप्रद होगा। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो आप बेकार में ही अपने शरीर का बोझ बढ़ा रहे हैं। आपको अब इतना ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका शारीरिक विकास अब पूर्ण हो चुका है। अगर आपको बीच में कुछ भूख या थकावट लगती है तो एक फल काफी है। अगर आप इस तरह से रहे तो बहुत ही अच्छी तरह रहेंगे। ये काम खर्चीला है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और आप स्वस्थ भी रहेंगे। चौथा, समग्रता बनाए रखना। आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक स्तर पर अर्थ ये भी है कि आप अपने शरीर और मन को समग्रता के एक खास स्तर पर लाए। समग्रता से मेरा मतलब है कि अगर आपका शारीरिक तंत्र एक खास तरह से संगठित नहीं है
अगर ये ढीला है तो कुछ भी अनुभव करने की इसकी योग्यता ठीक नहीं होती। चाहे कितनी ही महान घटना हो जाए, आप उसे चूक ही जाएंगे, कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम में इसलिए सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपके अंदर एक विशेष स्तर की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक समग्रता बन सके और आपके अनुभव करने की योग्यता बढ़ सके। क्यों योगी या साधक दिन में सिर्फ एक या दो बार ही खाते हैं और बीच में कुछ भी नहीं खाते? कारण यही है कि वे अपने शरीर को किसी चीज के लिए खोलना नहीं चाहते। कुछ भी अनुभव लेने के लिए जो एकमात्र साधन आपके पास है वह आपका शरीर है। आप कहेंगे मन भी है, लेकिन वह भी शरीर ही है। बाहर का कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको अपनी शारीरिक समग्रता ढीली करनी पड़ती है। लोगों ने इस बात को ठीक से नहीं समझा है। आप कितना लंबा जिएंगे ये इस बात पर भी निर्भर करता है आप दिन भर में कुछ पाने के लिए अपना शरीर कितनी बार खोलते हैं। अगर आप बार बार बाहरी चीजों के लिए अपने शरीर को खोलते हैं तो आप अपनी व्यवस्था को बहुत ही ढीला कर लेंगे। इस तरह का शरीर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि शरीर में कोई समग्रता ही नहीं है। जब समग्रता नहीं होती तो किसी के साथ जुड़ना भी नहीं होता। आप किसी तरह जिंदा तो रहेंगे लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। क्यों योगी या साधक दिन में सिर्फ एक या दो बार ही खाते हैं और बीच में कुछ भी नहीं खाते? कारण यही है कि वे अपने शरीर को किसी चीज के लिए खोलना नहीं चाहते। हवा और पानी के सिवा कोई भी बाहरी तत्व शरीर में ज्यादा जाने नहीं चाहिए क्योंकि इससे संवेदनशीलता की दृष्टि से तंत्र की समग्रता ढीली हो जाती है। अब जो कुछ भी है उसकी सबसे बाहरी सतह संवेदना ही है। अगर आप अपने आप को बहुत संवेदनशील रखना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके सामने आने वाली हर किसी चीज के लिए अपने शरीर को मत खोलिए। आपको जरूरत के अनुसार अच्छी तरह से खाना चाहिए, लेकिन दिन में बहुत बार नहीं खाना चाहिए। पांचवा, मजबूरी से जागरूकता की ओर। साधना का एक भाग यह भी है कि जब आपको कुछ खाने की इच्छा हो तो उस समय आप ना खाए, जिससे भोजन के लिए आपकी बाध्यता या मजबूर करने वाली आदत दूर हो सके। न सिर्फ भोजन के लिए, किसी भी चीज के लिए खाना एक बहुत बुनियादी बात है। इसके ही आधार पर हमारे जीवन के बहुत सारे भाग हमारी बाध्यता या मजबूरी बन जाते हैं। आप जिस भी बात को अपनी मजबूरी समझते हैं उसके साथ यही करने की कोशिश कीजिए। आप जिस बारे में भी कुछ तुरंत करने को मजबूर होते हैं बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने आश्रम में इस छोटी सी यातना को झेला होगा। भोजन का समय है, आप वाकई बहुत भूखे हैं और भोजन कक्ष में आते हैं। आपके सामने भोजन है और आप उसे जल्दी से हड़पना चाहते हैं, लेकिन लोग आंखें बंद कर रहे हैं और आह्वान के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। इसके पीछे विचार यही है कि जब आप बहुत भूखे हो तब 2 मिनट और रुकिए। आप जिस भी बात को अपनी मजबूरी समझते हैं उसके साथ यही करने की कोशिश कीजिए। आप जिस बारे में भी कुछ तुरंत करने को मजबूर होते हैं बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। यह आपको मारेगा नहीं बल्कि ज्यादा मजबूत बनाएगा। अपने शरीर में से उस मजबूरी को निकाल देना बहुत महत्वपूर्ण है
आपका शरीर और मन एक संयोजित रचना है। सभी तरह के पुराने संस्कारों ने आपके लिए कुछ आदतें बना दी है और वे आपको मजबूर कर देती है। अगर आप उन्हीं के अनुसार चलते रहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप विकास करना नहीं चाहते। आपने निर्णय कर लिया है कि आपको उसी ढांचे में रहने में कोई परेशानी नहीं है, आप उस ढांचे को तोड़ना नहीं चाहते और नई संभावनाओं को खोजना नहीं चाहते। भोजन बहुत ही मूल एवं सरल बात है, लेकिन आप इसे कैसे संभालते हैं इसे बहुत फर्क पड़ता है। ये एक यात्रा है जिसमें आप ज्यादा जागरूक होकर काम करने के तरीकों की ओर जाते हैं। इस यात्रा पर आगे बढ़ने का तरीका है उस जानकारी से खुद को धीरे धीरे अलग करना जो पहले से ही आपके अंदर है, जो आप पर आपके भीतर से हुक्म चलाती है। बंधन बहुत अलग अलग स्तरों पर होते हैं, लेकिन सभी बंधनों का मूल आपके शरीर में है, इसीलिए आपको अपने शरीर पर काम करना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इस हद तक कहा था, जब आप बहुत भूखे हो और आपको भोजन की बहुत जरूरत हो, तब यदि आप अपना भोजन किसी और को दे देते हैं तो आप ज्यादा मजबूत बन जाएंगे। मैं उस हद तक नहीं जा रहा, पर मैं कह रहा हूं बस दो मिनट रुकिए, यह आपको जरूर ज्यादा मजबूत बना देगा। धन्यवाद।